और लो गाइस, आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलादीन के बारे में। सो जैसा कि हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि इस समय अलादीन जीनी के जादू की वजह से काफी छोटा बन चुका है। जीनी जो कि इस समय राजकुमार जैन की शक्तियों में बंधा हुआ है। गाइस, अगर यहाँ पे बात करें सिर्फ जीनी की, सो गाइस नहीं, यहाँ पर यास्मीन भी जैन की शक्तियों में बंधी हुई है। सो गाइस, इस समय तो अलादीन ने बड़ी चालाकी के साथ जीनी को अपनी बातों में फंसाकर राजकुमार जैन का वो तावीज चुराकर उसे तोड़ दिया है, जिससे कि लगता है कि इस समय जीनी जैन की शक्तियों से बाहर आ चुका है। यानी कि इस समय पर जैन का जीनी के ऊपर कोई काबू नहीं है, लेकिन इस समय यास्मीन अब भी उस जैन की शक्तियों में बंधी हुई है। तो इस कुछ टाइम बाद ही राजकुमार जैन यास्मीन पर पूरी तरीके से काबू कर लेगा। लेकिन जैसा कि हमने अपकमिंग एपिसोड में देखा कि अलादीन अब पहले की तरह बन चुका है, यानी कि बात साफ है कि इस समय जीनी जैन की शक्तियों से मुक्त हो चुका है, जिसने कि अलादीन को पहले की तरह बनाया है। लेकिन गाइस, अब सवाल ये उठता है कि अगर अलादीन को यास्मीन को बचाना है तो उसका वो तावीज तोड़ना पड़ेगा। सोच देखते हैं कि आखिरकार अलादीन क्या करता है, क्या वो तावीज तोड़ता है या फिर पहले यास्मीन को बचाता है। सोच ये सब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। सोच आप बताइए कि आप भी अलादीन की अपकमिंग स्टोरी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। आप अपने कॉमेंट्स और रिव्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।